गोदाम में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर हुई राख। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में लकड़ी मंडी में पाइप के गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने तांडव मचाया। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जहां जलकर खाक हो गई। आग से काफी देर तक क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार सदर बाजार थाना क्षेत्र की लड़की मंडी में पाइप के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग की चपेट में आकर लाखों की संपत्ति जल गई। पुलिस के मुताबिक बहादुरगंज लड़की मंडी स्थित जसपाल सिंह ने पाइप का गोदाम बनाया है। बीती रात अचानक गोदाम से धुआं उठना शुरू हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग पूरे गोदाम में फैल गई। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। बताया जाता है कि गोदाम में भारी मात्रा में प्लास्टिक के पाइप रखे हुए थे जो जलकर राख हो गए। अग्निशमन सीओ रेहान ने बताया कि रात्रि करीब 11 बजे कोई आतिशबाजी का पटाखा गोदाम में गिरा होगा, जिसकी वजह से आग लग गई। करीब 1:30 बजे सूचना दी गई और 2 बजे से हम लोग फायर फाइट कर रहे हैं और आग पर काबू पाने के लिए करीब 40 कर्मी लगे हुए हैं और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। जहां एक ओर गोदाम मालिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बता रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी अनुमान लगा रहे हैं कि आग लगने की वजह आतिशबाजी का पटाखा हो सकता है। फिलहाल अभी तक ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितने रुपए का नुकसान हुआ है। क्या कुछ सामान खराब हुआ था इसके अंदर? कितनी बड़ी आग लगी है, कितना बड़ा नुकसान हुआ? सर, नुकसान का आकलन तो जब पूरी आग बुझ जाएगी उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। जब पूरे बिल्डिंग ठंडी हो जाएगी, जब हम घुसेंगे देखेंगे कि कौन सा माल सुरक्षित है कौन सा नहीं सुरक्षित है, हम ऐसे कैसे आपको अनुमान दे दें? क्या सामान खराब हुआ था और कैसे क्या सूचना मिली थी आग लगने? सामान पीवीसी टैंक है, कपड़ा होता है बोरिंग वाला वो था, पीवीसी फिटिंग है, सॉल्वेंट है, ये सब सामान था। समर्सिबल पंप है, मोनोब्लॉक पंप है। कितने घंटे हो गए फायर टेंडर फायर टीम काम करते हुए? कम से कम मान के चलिए 1:30 बजे से फायर वाले पूरे अपने जीजान से लगे हुए हैं। और अब मेरे ख्याल से कितना समय है? 10 बज गया है, लगभग 9 घंटे से लगातार वो भी और हम भी और हमारे खुद के लेबर सब लोग डटे हुए हैं। अगर अनुमान लगा तो कितना बड़ा नुकसान? अनुमान हम ऐसे नहीं लगा सकते। जब तक हम पूरा अपना निरीक्षण नहीं कर लेंगे जाके बिल्डिंग के अंदर, हम आपको नहीं बता सकते कि हमारा कितना नुकसान है। सामान जो आपका था इंश्योरेंस का था, सामान ये इंश्योरेंस का इसका सामान था ठीक है? सामान का इंश्योरेंस इंश्योरेंस था सामान? नहीं सर, इंश्योरेंस नहीं था। फायर टेंडर लगभग 2 बजे रात से लगातार फायर फाइटिंग कर रहा है। अभी घटनास्थल पर मौजूद हूँ, बराबर लगभग 40 फायर कर्मी हैं मिलकर आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत इसमें ये आ रहा हम लोगों को कि अप्रोच नहीं है, पहुंच नहीं है। जीना एक ही है जो भी जो लगभग गिराव हो चुका है, तो ये दूसरी जगहों से एंट्री करने की कोशिश की जा रही है और आग को बुझाएगा। क्या कारण रहा है आग लगने का? आग लगने का कारण अनुमानता अभी तक हम लोगों को ये आतिशबाजी का लगा, क्योंकि इन्होंने रूफ टॉप पर अपना पीवीसी का आइटम जो है सिंटेक्स टंकियाँ पाइप कलेक्ट कर रखे थे और संभवतः कोई आतिशबाजी का पटाखा आके गिरा होगा लगभग 11 बजे के आसपास, तभी आग लगना शुरू हुई होगी। जैसे इन लोगों के द्वारा लगभग 1:30 बजे देखा गया है, तब इन्होंने सूचना दी है। फायर की गाड़ियां लगभग 2 बजे के पहले से फायर फाइटिंग कर रही हैं।